नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसके अंदर हमने देखा था मी टू नाम का एक कैंपेन जो कि फॉरेन से चला था, विदेश से चला था। क्या था ये, इसके बारे में जानेंगे, जिसके चलते भारत के अंदर भी काफी बवाल हुआ था और अब आकर फिर से एक बार ये मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। और जो फिल्म इंडस्ट्री हम देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज की हम चकाचौंध देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स देखते हैं, एक्ट्रेस देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हुए दिखाई देते हैं सारे लोग, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री की जो एक ब्लैक साइड है, जो एक डार्क साइड है, वो फिर से एक बार निकल कर सामने आई है। जानेंगे फिल्म इंडस्ट्री का काला सच और किस प्रकार से महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार इस इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। मी टू कैंपेन की अगर हम चर्चा करें तो हॉलीवुड के अंदर एक प्रोड्यूसर के ऊपर 80 महिलाओं ने आरोप लगाए थे कि 80 महिलाओं के साथ इस डायरेक्टर ने, इस प्रोड्यूसर ने यौन दुराचार किया है। अब ये आरोप जब लगे थे, इसके बाद तमाम सारे देशों के अंदर जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज थी, ये आग फैली और उसके बाद बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेस निकल कर आए। और उसके बाद भारत के अंदर हम देखते हैं, बॉलीवुड के अंदर भी ये चीज निकल कर आई, मी टू मूवमेंट इन इंडिया। तमाम सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, इन सब के विरोध में महिलाएं खड़ी हुई और उन्होंने आगे आकर बताया, जो एक्ट्रेस थी उन्होंने आगे आकर बताया कि हमारे साथ भी इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है, जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो निकल कर आए ये इन सब करतूतों के पीछे। और ये मामला जो है धीरे धीरे फिर ठंडा हुआ और उसके बाद अब फिर से चर्चा इसकी हो रही है। असल में इंडिया के अंदर सिर्फ बॉलीवुड अकेली ही फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि और भी कई सारी फिल्म इंडस्ट्रीज काम करती हैं, जैसे कि कॉलीवुड नाम की इंडस्ट्री जो कि तमिल लैंग्वेज की जो फिल्म इंडस्ट्री है, चेन्नई के अंदर बेस्ड है ये, इसको हम जानते हैं कॉलीवुड के नाम से, एक है टॉलीवुड। और आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर ये चीज निकल कर आई है। और साथ में एक पूर्व जज हुआ करती थी, उनकी कमेटी की क्या सिफारिशें हैं, क्या जांच हुई हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। मी टू स्टॉर्म्स इरप्ट्स इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, फिर से एक बार ये मुद्दा आखिर क्यों जीवंत हुआ है। इंटरनेशनल ये न्यूज बनी, द न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस खबर को छापता है। आप देखते हैं, लिखता है कि इन साउथ इंडियन सिनेमा मी टू रेकनिंग कम्स रोरिंग बैक, मतलब दहाड़ता हुआ मी टू कैंपेन जो था वो वापस से मलयालम सिनेमा के अंदर, साउथ इंडियन सिनेमा के अंदर आया है। और आप देखते हैं फिलहाल के अंदर ही न्यूज है, सीरियस लेबर इश्यूज हाइलाइटेड इन हेमा कमेटी। हेमा कमेटी की एक रिपोर्ट आई है निकल कर, और इस रिपोर्ट के अंदर कहा जाता है कि सरकार जो है उसके भी कुछ अच्छे काम नहीं रहे थे। हुआ ऐसा कि 2017 में एक कमेटी जो है सरकार के द्वारा गठित की जाती है, नाम था जिसका हेमा कमेटी। 2017 के बाद कमेटी जांच करती है इंडस्ट्री की और 2019 में सरकार को अपनी रिपोर्ट वो दे देती है। 2019 के बाद अब 5 साल हो चुके हैं, 2024 में कोर्ट के ऑर्डर से ये जो कमेटी की रिपोर्ट है इसको पब्लिक के सामने लाया गया है, पब्लिक डोमेन में लाया गया है। अब तक ये रिपोर्ट जो थी, इसके अंदर जो कुछ चीजें थी, इनको छुपाया जा रहा था। अब क्यों छुपाया जा रहा था, इसी भी हम चर्चा करेंगे। मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में लगातार क्या हुआ है, तो मीनू मुनीर नाम की आप ये एक्ट्रेस देखते हैं, और ये जस्टिस हेमा कमेटी जो थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये साझा करती हैं अपना दर्द। ये कहती हैं, आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट, आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट अ सीरियस इंसिडेंट ऑफ फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज, मतलब शारीरिक और इनके साथ जो मौखिक रूप से शोषण हुआ है इनका, उसके बारे में ये बात करती हुई निकलती हैं और बड़े बड़े लोगों के नाम ये लेती हैं। मुकेश नाम का व्यक्ति आप देखते हैं, पिल्ला राजू नाम का एक व्यक्ति है, एक बाबू नाम का कोई व्यक्ति है, ये सारे के सारे बड़े नाम हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने, ये जो मीनू मुनीर नाम की एक्ट्रेस हैं, इनके साथ शोषण किया है, दुर्व्यवहार किया है। कई एक्ट्रेस बढ़ चढ़कर अपने साथ हुई हैरेसमेंट की घटनाओं पर खुलकर बात कर रही हैं। कुछ समय पहले ही एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए, मलयाली एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने मलयाली एक्टर मुकेश जयसूर्या समेत 7 लोगों के खिलाफ BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता इसके 354 का मामला जो है दर्ज कराया है। और इनके बाद तमाम सारी महिलाएं और ज्यादा निकल कर आई हैं और बता रही हैं कि उनके साथ भी ये सब हुआ है। मी टू
जब से ये चालू हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक 17 से ज्यादा केसेस जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। और तमाम सारी एक्ट्रेस जो हैं वो लिखती हैं, खुशबू सुंदर नाम की एक काफी फेमस एक्ट्रेस है मलयाली फिल्म इंडस्ट्री की, ये भी लिखती हैं कि अब्यूज आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल फेवर्स के लिए मतलब काम के बदले जो डिमांड की जाती थी शारीरिक वस्तुओं की, उसके बारे में इनके द्वारा बात खुलकर निकलकर आई है। बात करते हैं थोड़ी सी जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कि ये रिपोर्ट आखिर क्या थी। तो आप देखते हैं न्यूज, हेमा कमेटी रिपोर्ट एक्सपोजेस हैरेसमेंट ऑफ फीमेल एक्टर इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इंक्लूडिंग कास्टिंग काउच और कंप्रोमाइज। ज्यादा नहीं, 19 अगस्त 2024 की आप ये न्यूज कटिंग देख रहे हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी, तो 2019 में सरकार को ये रिपोर्ट दे दी गई थी और फाइनली 2024 के अंदर ये रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट से सिद्ध होता है, साबित होता है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये सारा दुर्व्यवहार का काम, महिलाओं के साथ भेदभाव का काम किया जाता है। केरला गवर्नमेंट रिलीजेज हेमा कमेटी रिपोर्ट ऑन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री 19 अगस्त 2024 की ही आप ये न्यूज देखते हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट में आखिर क्या है, तो फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं कि इंडस्ट्री में महिलाओं को काम देने के बदले उनसे कई बार अनैतिक डिमांड की जाती है, उनसे फिजिकल फेवर मांगे जाते हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मलयालम फिल्म महिला कलाकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट लाई गई। महिला कलाकारों से होने वाली अनैतिक मांगों को लेकर इंडस्ट्री में महिला सुरक्षा से जुड़े हर बिंदु पर रिसर्च के लिए 2019 में रिटायर्ड न्यायमूर्ति हेमा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था कि जांच करके भेजें। अब जांच के अंदर जो 17 तरीकों के शोषण बताए हैं वो कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा जानते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या बताई गई है वो है काम के बदले महिलाओं से सेक्सुअल फेवर की डिमांड, कि आपको काम तभी मिलेगा यदि आप हमें सेक्सुअल फेवर प्रोवाइड करती हैं, ये है। इसके बाद वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि जब भी महिला कभी शूटिंग के समय सेट पर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक्ट्रेस का ही काम नहीं होता है बल्कि और भी सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और तमाम तरह का जो स्टाफ है वो काम करता है, तो टोटल स्टाफ जो है उसकी जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के साथ कहीं ना कहीं इस प्रकार के अत्याचार हुए हैं। तो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल फेवर की बात ना मानने पर टॉर्चर किया जाता है, टॉयलेट चेंजिंग रूम्स जैसी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, सिक्योरिटी में काफी लैप्स होते हैं, काम करने पर मनमाने तरीके से बैन लगा दिया जाता है, यानी कि ये सीधा ये है कि अगर इन बात नहीं मानी आपने किसी प्रभावशाली व्यक्ति की तो आपके काम पर तुरंत बैन लगा दिया जाएगा। बैन का डर दिखाकर चुप करा देना, यानी कि किसी के साथ यदि कुछ बर्ताव कर भी दिया गया है तो उसको धमकी दी जाती है कि किसी को बताना नहीं है वरना तुम्हारा करियर खराब कर दिया जाएगा। मेल डोमिनेशन, जेंडर के आधार पर भेदभाव, यानी कि महिलाओं को जो है सैलरी आदि कम दी जाती है और साथ में सिक्योरिटी वगैरह पर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्क प्लेस पर ड्रग्स शराब के नशे में अभद्रता महिलाओं के साथ की जाती है, अमर्यादित और वल्गर कमेंट्स जो है वो पास किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखित ना होने पर मनमानी की जाती है, जो फीस तय की जाती है वो फीस भी नहीं दी जाती है, महिला और पुरुषों की फीस में भेदभाव किया जाता है, तकनीकी कार्यों में महिलाओं को मौके नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन हैरेसमेंट यानी कि साइबर अटैक फोन वगैरह के ऊपर भी ये सारे हरकतें की जाती हैं, अधिकारों को लेकर कानूनी जागरूकता जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, समस्याओं के निवारण के लिए कोई आधिकारिक कमेटी या फिर संगठन इनका नहीं होता कि यदि किसी कोई समस्या है तो उस संगठन के पास या फिर कमेटी के पास जाकर किसी प्रकार की शिकायत की जाए। हेमा कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जो 10 बातें आई हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो सबसे बड़ी समस्या, इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े नाम जो है इन हैरेसमेंट्स के अंदर शामिल रह चुके हैं, और न्यू कमर्स जो नए लोग जाते हैं सोचते हैं सपना लेकर जाते हैं कि हम भी जाएंगे और कुछ इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, उनके लिए इंडस्ट्री की इमेज बहुत खराब है और साथ में जब इस प्रकार के फेवर्स की डिमांड की जाती है तो रास्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फिलहाल हो चुका है। पुरुष जो है खुलेआम सेक्स की डिमांड करते हैं महिलाओं से कि आप हमें इस प्रकार की बातें कीजिए, मतलब बड़ा कॉमन सा कल्चर ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है। पुरुषों ने कहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हर जगह होता है, अब ये जो है थोड़ी सी बेशर्मी की हद टाइप की इनकी हो जाती है, इनके द्वारा अपने गिरिबान में ना झांक कर देख कर बल्कि बताया जा रहा है कि ये काम पूरी दुनिया के अंदर हर किसी फील्ड के अंदर होता है, ऐसी बात पुरुषों के द्वारा कही गई है, क्योंकि ये जो कमेटी थी इस कमेटी के द्वारा तमाम सारी एक्ट्रेस और तमाम सारे बड़े एक्टर्स के, छोटे एक्टर्स के और तमाम काम करने वाली जो महिलाएं थी उनके बयान वगैरह लिए गए थे, उनकी टेस्टिमोनीज वगैरह इसके अंदर थी, जिसके चलते इस
जिसके चलते ये सारी बातें जो है निकल कर आई हैं। रात को जो है पुरुष दरवाजा पीटते हैं, रात को जैसे कमरे के अंदर कभी कई बार देखने को मिलता है कि सेट जो है फिल्म के दूर दूर लोकेशंस होती हैं, तो वहाँ होटल्स वगैरह के अंदर कमरे लिए जाते हैं और उन कमरों के अंदर वर्कर्स ठहरते हैं, तो रात में जो है दरवाजा पीटने की हरकतें जो है वो की जाती हैं। महिलाओं के बारे में कोड वर्ड्स में बात की जाती है, टॉयलेट तक जाने की इजाज़त महिलाओं को नहीं दी जाती है, पुरुषों का राज है इंडस्ट्री के ऊपर, मेल डोमिनेशन डोमिनेंट इंडस्ट्री है, लिखित कॉन्ट्रैक्ट ना होने पर फीस भी नहीं मिलती है, कुछ भी कहकर ले जाया जाता है, काम कराया जाता है और अपने वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो कि हेमा कमेटी जो है वो बिठाई गई थी सरकार के द्वारा। तो बात है 17 फरवरी 2017 की, एक मलयालम एक्ट्रेस थी, उन एक्ट्रेस का अपहरण किया गया था। अपहरण कर कार के अंदर चार पांच जो मेल लोग थे उन्होंने उनके साथ शारीरिक शोषण किया था। शारीरिक शोषण की शिकायत जो है उनके द्वारा की गई और उसके बाद तमाम सारे प्रोटेस्ट वगैरह वो हुए, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद सरकार जो है वो चेतती है और सरकार जो है एक कमेटी का गठन करती है कि जानते हैं सच्चाई की आखिर क्या है, और उस कमेटी के द्वारा वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ये वो महिला हैं, वो फिल्म एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। एक कमेटी का गठन किया जाता है कि जांच करके वो अपनी रिपोर्ट दे, उस कमेटी के द्वारा जांच कर रिपोर्ट जो है वो सौंप भी दी जाती है। लगभग 295 पेज की ये रिपोर्ट थी। जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, दिसंबर 2019 में इनको ये रिपोर्ट भेज दी जाती है। इस कमेटी के अंदर, इस कमेटी को हेड कर रही थी जस्टिस के हेमा, रिटायर्ड केरला हाईकोर्ट की जो जज थी, इनके द्वारा ये कमेटी हेड की गई और 2019 में अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी गई। लेकिन सरकार के द्वारा 2019 से लेकर अब तक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। कारण था इसके अंदर, रीजन इनके द्वारा बताए जा रहे थे कि कई सारे फिल्म एक्ट्रेस जो हैं उनकी निजता को लेकर बात की जा रही थी, क्योंकि इसके अंदर उनकी टेस्टिमनीज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह शामिल थी, इसीलिए हम इस रिपोर्ट को साझा नहीं कर सकते पब्लिक के सामने। लेकिन फाइनली हाईकोर्ट के अंदर जो लोग डिमांड कर रहे थे कि इस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए, और हाईकोर्ट साफ मना कर देता है गवर्नमेंट से कि अब आप इस रिपोर्ट को नहीं रोक सकते हैं, इसको आप सीक्रेट नहीं रख सकते हैं, इसको पब्लिक किया जाए, जिसके बाद दबाव में आकर फाइनली सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई जाती है, जिसके बाद ये जो मी टू कैंपेन है फिर से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिखाया जाता है। बड़े बड़े एक्टर्स के नाम इसके अंदर हैं, लेकिन रजनीकांत साहब से जब पूछा जाता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो साफ कह देते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और राधिका एक एक्ट्रेस हैं, वो कहती हैं, वो बताती हैं कि सीक्रेट कैमराज तक, वैन जो मिलती हैं एक्ट्रेस के लिए, उन वैन के अंदर सीक्रेट कैमरा वगैरह भी लगाए जाते थे, इस प्रकार का हेरसमेंट किया जाता था। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भारत के जो कानून हैं उन कानूनों के अंदर क्या कोई प्रावधान है जो कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए काम किए जाते हैं। तो ये जो कानून है भारत के अंदर, जो भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, इंडियन पेनल कोड जो हुआ करता था 1860 का, जिसको अब हम रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से, जो फिलहाल चेंजेस किए गए हैं, आईपीसी की जगह बीएनएस लाई गई है। लेकिन आईपीसी के अंदर जो प्रावधान थे, सेक्शन 354 के अंदर रिपोर्ट लिखाई जा सकती है, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, 354A है, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है। सेक्शन 509 है, वर्ड जेस्टर और एक्ट इंटेंटेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन डील्स विद, ये सारे के सारे जो कानून इस आईपीसी के अंदर वुमेन्स को लेकर एक्ट सेक्शन हुआ करते थे। अब जो एक अलग से एक्ट बनाया गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का ये एक्ट है, यानी कि वर्क प्लेस के ऊपर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो कानून है, जिसके तहत गाइडलाइंस, जिनको हम विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं, विशाखा गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है वर्क प्लेस के ऊपर, एक ये कानून है। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि फोन के माध्यम से या फिर इंफॉर्मेशन इंटरनेट वगैरह के माध्यम से कोई महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है, तो आईटी एक्ट के अंदर भी प्रावधान किए गए हैं। एक पॉक्सो एक्ट है जो कि बच्चों के साथ यदि कोई यौन दुर्व्यवहार होता है तो उसकी चर्चा की जाती है। और एक है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट
1956, जिसको हम ITPA नाम के जानते हैं। तो ये सारे कानून हैं जिनके तहत दोषियों के ऊपर कार्यवाही की जाती है। आपकी क्या राय है इस बारे में कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और किस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री को महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह बनाने का प्रयास किया जा सकता है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद है साथियों पूरा सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।